दोस्तों ये है मारुति सुजुकी की सेलेरियो और ये जो वेरिएंट है यह है VXI, लेकिन इसमें आपको टॉप मॉडल जैसा फीचर दिया है। बाकी इसके अंदर भी ज़बरदस्त फीचर आया है। जो पहले इसका कंसोल आता था मीटर, वो बिल्कुल चेंज कर दिया है कंपनी ने, एकदम मस्त वाला दिया है। वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे, बस पूरा लास्ट तक देखिएगा। और सबसे अच्छा ऑफर भी चल रहा है कि कम से कम डाउन पेमेंट चल रहा है। अभी क्या है कि मानसून धमाका ऑफर है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसमें कम से कम डाउन पेमेंट पर आपको मिलेगा। बाकी जो मैं आपको डाउन पेमेंट बताने वाला हूँ, ये साल का 12 मंथ यानी 12 महीना यही चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग कार की वीडियोज आपको मिलती रहे। तो जो आप सेलेरियो देख रहे हैं, ये VXI वेरिएंट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2024 का सबसे लेटेस्ट मॉडल आप देख रहे हो। सबसे पहले इसके अंदर जो हेडलाइट है, कुछ इस शेप में हेडलाइट दी गई है इस गाड़ी का। यहाँ पर आप देखेंगे तो 55x60 वाट का हेलोजन, यहाँ पर पायलट, यहाँ पर आपका ब्लिंकर 12 वोल्ट पर 9 वाट का बल्ब दिया गया, ठीक है। तो ये आपका हेडलाइट रहेगा और ये जो है न्यू शेप वाली हेडलाइट दी गई है, न्यू शेप में। यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर बढ़िया अच्छा सा क्रोम भी पूरा मिल जाता है, क्रोम फिनिश आपको ये इस तरह से। और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, यानी कि बेस्ट 5 सीटर कार अंडर 5 लाख में ये मिल जाएगी, यानी कि 5 लाख के अंदर में अगर आपको बढ़िया कार चाहिए तो आप ले सकते हैं, बेस्ट माइलेज के साथ। वो भी क्रोम के एलिमेंट्स यहाँ पर, क्रोम आपको यहाँ पर भी मिलेगा। और ये न्यू शेप में ग्रिल इसकी मिलती है सेंटर पे, इसकी बैजिंग के साथ देखिए आप, पूरा ग्रिल देखो मैट ब्लैक फिनिशिंग पे। उसी के नीचे यहाँ पर नंबर प्लेट आएगा, सेलेरियो लिखा, उसी के नीचे यहाँ पर भी ग्रिल दी गई है, रेडिएटर ग्रिल, ये भी पूरा एयर अच्छे से पास हो। स्किड प्लेट कुछ इस तरह से, यानी कि सामने का बम्पर मैट ब्लैक के साथ व्हाइट कलर डुअल टोन फिनिश यहाँ पर आपका दिया गया है, जो है फोग लैंप की जगह। बाकी आप चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, एकदम मस्त लगेगी गाड़ी फिर लगवाने के बाद। तो कुछ इस तरह से सामने से भाई गाड़ी आपकी दिखने वाली है। तो कैसी लग रही है गाड़ी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं इसका हेडलाइट रहेगा, ठीक है। तो दोनों हेडलाइटें बिल्कुल एकदम सेम दिखेंगी, फोग लैंप भी मिलेगा। तो सामने का ये जो है नज़ारा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बोनट कुछ इस शेप में मिलने वाला है, 2 एयरबैग आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे और बाकी 2 वाइपर वाशर मिल जाएगा, ग्लास सामने का कांच इस तरह से, एंटीना और यहाँ पर रूफ, इसकी छत कुछ इस तरह से रहने वाली है। यहाँ पर आपका बॉडी कलर पे RVM रहेगा, वो भी LED ब्लिंकर के साथ रहेगा। ये चीज़ सबसे अच्छा है, VXI वेरिएंट में आपको ये चीज़ मिल जा रहा है भाई, सबसे खासियत है इस गाड़ी की। आप साइड से देखेंगे तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लंबाई भी इसकी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई सब बताऊँगा, व्हील बेस भी। अब यहाँ पर देखेंगे तो 14 इंच का स्टील व्हील मिलेगा विथ व्हील कवर के साथ, और 165x70 का टायर इसके अंदर दिया गया, ठीक है। वो भी ट्यूबलेस टायर मिलेगा, रिडल टायर चारों, आगे 2 डिस्प्ले KBS CVT के साथ, पीछे 2 ड्रम ब्रेक रहेगा, सस्पेंशन दे सकते हैं। और यहाँ पर साइड का जो डोर का हैंडल है वो बॉडी कलर पर रहेगा, पीछे आपको 2 ड्रम मिलते हैं, स्टील व्हील कवर के साथ रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूरी छत इस तरह से रहेगी, और स्पॉयलर, यहाँ पर वाशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यहाँ पर डिफॉगर, वाइपर सब आपको इस गाड़ी में मिलेगा। समझ लो कि टॉप मॉडल वाला इस गाड़ी के अंदर फीचर मिल जाता है भाई, सबसे अच्छी चीज़ आपको ये मिलने वाली है। न्यू शेप में इसकी लाइट मिलेगी, ब्लिंकर देख सकते हैं, ये आपका ब्रेक लाइट रहेगा, ये रिवर्स लाइट है, और ये जो है न्यू शेप में इसकी टेल लाइट दी गई है। पहले ऐसा नहीं आता था, अभी ये पूरा न्यू शेप में इसकी टेल लाइट मिलेगी आपको। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए इसकी बैजिंग, यहाँ पर सेलेरियो बढ़िया 3D वाला लिखा, यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर यहाँ पर, सेलेरियो की ब्रांडिंग, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इसके अंदर मिलेगा, इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये रहा इसका डोर का हैंडल पीछे का, यहाँ पर देखेंगे तो 265 लीटर बूट स्पेस भी मिल जाता है, पार्सल ट्रे भी मिल जाता है, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है इस गाड़ी में। तो कैसा लगा इसका रियर प्रोफाइल आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मजबूती भी काफ़ी अच्छी भाई अब आपको इस गाड़ी मिलेगी, नई लाइट के साथ ये पूरा सेलेरियो कुछ इस तरह से गाड़ी दिखेगी, ये पूरा इस तरह से देख सकते हैं आप। 32 लीटर पेट्रोल आएगा इस गाड़ी में, 32 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, चारों आप व्हील और टायर देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, यहाँ पर ये ब्लैक फिनिश रहेगा। और अब देखिए इसका जो पीछे का डोर है कुछ इस प्रकार का हैंडल, डोर का लीवर, स्पीकर, बोटर रखने का इस पर स्विफ्ट से भी ज़्यादा जगह दी गई है, शॉट में देखेंगे तो इतना ही रहेगा, ये नहीं है। और पीछे देख सकते हैं, ये देखिए आप देख रहे हो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इसका लेग रूम देखो आप, थाई सपोर्ट भी ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर कम है, बाकी थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई चाहिए। बाकी देखो स्पेस कितना अच्छा दिया गया, देख रहे हो 3 लोग हमारे जैसे, तो भाई 4 लोग भी आ सकते हैं, बाकी 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से। स्पीकर ये कुछ इस हैंडल डोर, यहाँ पर देखिए हैंडल पीछे कुछ इस तरह से, हेडरेस यहाँ पर 2-2 मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए पीछे के दोनों कंट्रोल करने के लिए हैं इसके पावर विंडो, ठीक है। बाकी सामने का इंटीरियर कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर देखिए ये पूरा इस तरह से रहेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
तो गाड़ी काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपको। ड्राइवर के साइड वाला यहाँ पर भी देखेंगे तो एलईडी वाले बढ़िया मिल जाते हैं ब्लिंकर। ये भी आपका चाबी से इधर उधर दोनों साइड से एंट्री कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए हैंडल इस तरह से, स्पीकर, और देखो यहाँ पर इतनी जगह दी गई है। ये देखिए डोर का लीवर, एसी वेंट सबसे नए शेप में आ गया है इसमें, सिल्वर फिनिश, ये एकदम नया वाला देख रहे हो आप, ठीक है। ये सेलेरियो, ये देखिए एसी वेंट बढ़िया। यहाँ पर देखो इस प्रकार का, यहाँ पर सारे स्केयर बैग आपको मिलेंगे। ग्लोव बॉक्स यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक है, स्पेस अच्छा मिलेगा। स्पेस यहाँ पर सबसे अच्छी जगह दी गई, ये देखिए बढ़िया। और उसके बाद अब यहाँ पर जो है एसी बंड देखो, ये एक नंबर का यहाँ पर देखिए क्रोम के साथ बढ़िया दिया गया है। ये देखिए, ये आपका इस तरह कर लीजिए, ये इस तरह से। अब इसके अंदर ये देखेंगे तो हज़ार स्विच है, ये आपका लॉक अनलॉक है, ये आपका विंडो का है, ये आपका लॉक कर सकते हैं। और ये आपका वॉल्यूम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी कि ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, आपका म्यूज़िक सिस्टम रहेगा इसी पे, चाहे तो बड़ा वाला भी लगवा सकते हो। एसी वेंट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिल्वर फिनिश भी मिलेगा। एसी देखो यहाँ पर, एसी हीटर, और ये आपका जैसे आप चाहे चला सकते हैं। ये आपका पूरा सेटिंग दिया गया है। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह, बोतल, और सबसे खास बात ये गियर लीवर देखो, 5 गियर की गाड़ी है और गियर लीवर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर सिल्वर फिनिश आपको सर्कल में मिल जाता है। स्टेयरिंग पे बढ़िया यहाँ पर सिल्वर, और यहाँ पर देखेंगे तो म्यूज़िक कंट्रोल यहाँ पर स्टेयरिंग पर ही आपको मिल जाता है। अब ये रहा सबसे नया चीज़, देखो आप इसका, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट जो है देख रहे हैं आप, ये देखिए ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया चेंजेस हो चुका है। पहले ये दूसरी टाइप का था, वो मैं चैनल पर वीडियो डाला हूँ, आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। 180 की टॉप स्पीड यहाँ पर पूरा इस तरह से मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा पर MID दी गई है, तो ये पूरा चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर आपको नया कंसोल मिलेगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया। यहाँ पर ये वाइपर डिफोगर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सन रिफ्लेक्ट प्रोटेक्शन, IRVM, यहाँ पर बढ़िया देखिए लाइट इस तरह से मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका मिरर भी दिया गया है सन रिफ्लेक्ट प्रोटेक्शन का, देख रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से इंटीरियर आपको मिलने वाला है। ये चीज़ तो भाई हमें सबसे ज़्यादा इस गाड़ी में पसंद आया, जो अभी तक चेंजेस हुआ है इस गाड़ी का। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर इसकी बैजिंग के साथ मिलेगा। और अब चलिए दूसरी साइड का दिखाते हैं, इसका सीट और इंटीरियर कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो गाड़ी भाई प्रॉपर देखेंगे तो बेस्ट 5 सीटर कार है, वो भी अंडर बजट में, कम से कम प्राइस में। यहाँ पर भी चाबी से एंट्री कर सकते हैं। अब इसके जो मेन डोर है ना, उसी तरह से एकदम सेम है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं दिया गया, सारे कंट्रोल इसके सामने ही हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। सीट यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाती है, एडजस्टेबल नहीं है, खाली आगे पीछे होगी। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का ऑप्शन, यहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट, और सबसे खास टॉप चीज़ देखो, ये आपका ORVM पूरा यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हो, ये सबसे अच्छा। बाकी यहाँ पर चाबी लगा कर एंट्री कर सकते हैं। एसी वेंट यहाँ से, ये पूरा इस तरह से हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्यूल खोल सकते हैं, आगे का बोनट खोल सकते हैं। ये चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगा भाई इस गाड़ी का। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के, चलिए कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो इंजन है वो नेक्स्ट जनरेशन के सीरीज डुअल जेट डुअल VVT इंजन विथ आइडियल स्टार्ट स्टॉप, 998 cc, 3 सिलेंडर, 49 kW, 55 rpm, मैक्सिमम टार्क 89 Nm, 35 rpm, 5 MT 5 AMT, यानी ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों आती है। लेंथ लंबाई है 36.95 और विड्थ है 16.55 और हाइट है 15.55, और उसके बाद व्हील बेस है 2435, 32 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी का माइलेज का। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको माइलेज देने वाली है 22 से 24 का माइलेज पेट्रोल में, CNG में 30 से 32 का माइलेज आराम से गाड़ी दे देगी। ऑन रोड कीमत की बात करें तो ये जो गाड़ी आती है ये आएगी 6,87,000 ऑन रोड प्राइस, और बेस वेरिएंट लेंगे तो 6,05,000 रुपये ऑन रोड प्राइस कटारिया ऑटोमोबाइल नवसारी गुजरात में गाड़ी पड़ेगी। डाउन पेमेंट की बात करें तो सिर्फ 1 लाख रुपये में आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, बाकी 80,000 में भी आपको मिल जाएगी, सिर्फ 80,000 में डाउन पेमेंट भर के आप ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।